दिल्ली के एम्स में एक मेडिकल छात्र की संदिग्ध मौत, मृतक के दाएं हाथ में लगे दो इंजेक्शन बरामद। हौसखास इलाके में हॉस्टल में रह रहा था छात्र स्वर्णिम, साथी डॉक्टरों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के द्वारका में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट की संदिग्ध मौत, पुलिस को पत्नी से झगड़े के बाद आत्महत्या का शक। नोएडा में डॉक्टर की खुदकुशी मामले में 6 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद, मौत के लिए अपनी प्रेमिका और उसके घर वालों को बताया जिम्मेदार। सुसाइड नोट के मुताबिक प्रेमिका पैसे ऐंठने के लिए उन्हें करती थी इस्तेमाल, छत्तीसगढ़ के डीएसपी से धमकी भी दिलाई, केस दर्ज कर जांच शुरू। दिल्ली में ओएलएक्स के जरिए खरीदार बनकर स्पोर्ट्स बाइक चोरी का खुलासा, लेकिन 2 दिन में ही फेसबुक से मिला सुराग, हुई गिरफ्तारी। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी का बेटा निकला आरोपी, पुलिस ने बरामद की चोरी की गई बाइक। कानपुर के सरकारी अस्पताल में बरामदे में घंटों तक पड़ी रही गर्भवती महिला, 1400 रुपये घूस नहीं देने पर डॉक्टर ने निकाला बाहर। हापुड़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की शर्मनाक करतूत, बीमार बुजुर्ग को अस्पताल से ले जाकर 45 किलोमीटर दूर छोड़कर हुए फरार, आरोपी कर्मचारियों पर केस। मेरठ हादसे में गिरफ्तार मुख्य इंजीनियर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में नाराज लोगों की नोकझोंक। यूपी के रामपुर में नशीली गोली खिलाकर मामा ने लूटी भांजी की इज्जत, मां की शिकायत के बाद आरोपी मामा गिरफ्तार। गाजियाबाद में रोड रेज में गोलीबारी, बाइक और कार की मामूली टक्कर के बाद कार चालकों ने बाइक सवार की पत्नी को गोली मारी। हाथरस में खेत से एक युवक की लाश मिलने से सनसनी, परिवार वालों ने साहूकार पर लगाया हत्या कराने का आरोप। कटिहार पुलिस ने गुवाहाटी संपर्क क्रांति से 3 नाबालिग लड़कियों को बचाया, झांसा देकर दिल्ली ले जाने वाला दलाल मौके से फरार। गुरदासपुर में चोरों ने मंदिर में की सेंध मारी, ताला तोड़कर ले भागे कैश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नाले में बही इंडिका कार, हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 की मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफंती नर्मदा में गिरी कार, 2 सवार में से 1 बचकर निकला बाहर, लेकिन दूसरे की तलाश जारी। राजस्थान के झुंझुनू में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तारपीन की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खा। दरभंगा में फिल्म गैंग ऑफ वासीपुर देखकर एक छात्र ने बनाया गैंग, दुकानदार की हत्या में एक गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने किया खुलासा। आतंकवादी बुरहान के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में तनाव बरकरार, 21 पहुंचा मौत का आंकड़ा, अब तक 300 से ज्यादा लोग घायल। घाटी में तनाव के बाद श्रीनगर में 11 जगह पर कर्फ्यू, तनाव वाले इलाके में 1200 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती। हिंसा से चिंतित महबूबा मुफ्ती ने कैबिनेट के साथ की बैठक, दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की मैराथन मीटिंग। कश्मीर में जारी हिंसा के पीछे हाफिज सईद का आइडिया, खबरों के मुताबिक हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन के साथ मुलाकात में बना प्लान। बुरहानवाणी के एनकाउंटर के बाद हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन ने की बैठक, शनिवार को मुजफ्फराबाद में शोक सभा का भी किया था आयोजन। अमरनाथ यात्री जम्मू से बालटाल और पहलगाम नहीं जा सकेंगे, कश्मीर में जारी तनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। पहलगाम और बालटाल पहुंच चुके श्रद्धालु कर रहे हैं बाबू बर्फानी के दर्शन, कल 5600 लोग अमरनाथ गुफा पहुंचे। जम्मू के आईजी दानिश राणा ने कहा, हालात सामान्य होने के बाद ही श्रद्धालुओं को यात्रा की दी जाएगी इजाजत। जम्मू कश्मीर में भी बढ़ा आतंकी हमले का खतरा, सूत्रों के मुताबिक सरहद पार से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक। बांग्लादेश ने भारत को किया आगाह, जानकारी के मुताबिक 10 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक। सऊदी अरब से आज भारत लौट रहा है जाकिर नाइक, आतंकी कनेक्शन को लेकर मंगलवार को मीडिया से होंगे रूबरू। इस्लाम के प्रचार की आड़ में जहर उगलने वाले जाकिर नाइक पर चोट, बांग्लादेश ने पीस टीवी को किया बैन। सरकारी जांच में घिरने के बाद जाकिर नाइक ने समर्थकों से मांगी मदद, कहा हमारा समर्थन कीजिए। जाकिर नाइक विवाद की आंच में आई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू के टॉप पैनल यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर था जाकिर नाइक। तेलंगाना के साइबराबाद में गिरफ्तार संदिग्ध आईएस आतंकी अफसर जबीन पर बड़ा खुलासा, वो भी जाकिर नाइक की मुरीद। आसनसोल में एक निजी कंपनी के कर्मचारी पर खुलेआम गोलीबारी, मुकदमा दर्ज।
कानपुर में मोबाइल कंपनी के स्टोर के कर्मचारी से युवक ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हापुड़ में चोरी की बुलंद हौसले, एडीएम की नीली बत्ती गाड़ी को घर से उड़ाया, पुलिस ने ड्राइवर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर घर में घुसकर नाबालिग से रेप, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ता पर अज्ञात लोगों का हमला, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया हमला करने का आरोप। गोंडा में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, तीन महीने पहले हुई थी शादी, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में बहु भोज की रात ससुराल से गायब हुई दुल्हन, घर वालों का आरोप दहेज न देने पर नतीजा भुगतने की दी गई थी धमकी। रोहतक में कबड्डी का राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा कुख्यात इनामी बदमाश समेत दो गिरफ्तार, दो अवैध हथियार और 11 कारतूस बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। चेन्नई में AIADM के पार्षद की हत्या के मामले में चार आरोपियों ने किया सरेंडर, पुलिस के सामने कत्ल की बात कबूली। कॉल रिकॉर्ड बेचने के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार को गिरफ्तार किया, पूर्व सीबीआई अधिकारी से भी हो सकती है पूछताछ। आरा में मुन्ना साई की हत्या और रानीगंज हिंसा को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, बंद कराया बाजार, ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी नेता लता राजे चौहान के बेटे के घर में घुसकर अपराधियों ने की हत्या, सोते वक्त चाकू से मारा। जोधपुर जेल के कैदियों से एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हल चलवाने का वीडियो हुआ वायरल, विश्वविद्यालय ने तकनीकी जरूरत का दिया हवाला। ओडिशा के कंधमाल में पांच कथित नक्सलियों के मारे जाने पर विपक्ष ने किया बंद का ऐलान, एनकाउंटर को बताया फर्जी। केन्या दौरे पर आज आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी भारत केन्या बिजनेस फोरम में होंगे शामिल, नैरोबी यूनिवर्सिटी में छात्रों से भी होंगे रूबरू। रविवार को दार ए सलाम में स्कूली बच्चों के साथ पीएम मोदी ने साझा किया अपने अनुभव, छात्रों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। तंजानिया में भी पीएम का हुआ जोरदार स्वागत, पीएम के सम्मान में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मोदी ने तंजानिया में बजाया दोस्ती का ड्रम, तंजानिया के राष्ट्रपति के साथ मिलकर बजाया ड्रम। मोदी ने तंजानिया को बताया अहम पार्टनर, दोनों देशों के बीच पांच अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब बीएसपी के राष्ट्रीय सचिव परमदेव यादव ने भी छोड़ी पार्टी, मायावती पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। बीएसपी छोड़ने वाले परमदेव यादव बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, आज केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात संभव। नेताओं के बीएसपी छोड़ने को मायावती ने बताया बीजेपी और समाजवादी पार्टी की साजिश, लखनऊ में बैठकर चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। दो साल बाद संघ में फिर सक्रिय होंगे सुरेश सोनी, कानपुर में आरएसएस की बैठक में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने मांगा वक्त, मुस्लिमों के प्रति संघ के नजरिए पर करेंगे बात। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी में कलह, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। पंजाब में कांग्रेस बेरोजगारी को बनाएगी मुद्दा, खबरों के मुताबिक राज्य भर में नौकरी को लेकर पार्टी कराएगी सर्वे। यूपी के सोनभद्र में कुएं में घुसे दो लोगों की जहरीली गैस से मौत, समरसेबल बनाने के दौरान हुआ हादसा। फरीदाबाद पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी, परिजन करा रहे थे शादी, लड़की की मां ने की थी शिकायत। रोहतक में गोहाना रोड पर दो बाइक सवारों ने एक महिला से पर्स छीनने की कोशिश की, दूर तक घिसटती रही महिला। नासिक में मूसलाधार बारिश से गोदावरी नदी के जलस्तर में उफान, शहर में घुसा पानी, बाढ़ से बिगड़े हालात। वाराणसी में उपंती गंगा में डूबे घाट और किनारे के मंदिर, 84 घाटों का संपर्क टूटा, आरती का स्थान भी बदला गया। उज्जैन में शिप्रा की लहरों में डूबे राम घाट समेत दूसरे घाटों के मंदिर, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा प्रशासन। विदिशा में बेतवा पुल पर 10 फीट पानी भरा, भोपाल से टूटा संपर्क, विदेश मंत्री और सांसद सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा पल पल की ले रही हूं खबर। मध्य प्रदेश की कटनी में नदी नाले उफान पर, सैकड़ों घरों में घुसा पानी, निकासी नहीं होने से बढ़ी मुश्किल। आपदा के 11 दिन बाद भी चमोली में 45 सड़क बंद, कई गांव से आवाजाही ठप, स्थानीय लोग परेशान।
पुरी में भगवान बलराम के रथ पर चढ़ने के आरोप में एक शख्स हिरासत में। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक रथ पर चढ़ना गैर कानूनी। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल में 51 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और बिहार के मंत्री शिवचंद्र राम भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पिता की चाहत पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से दूल्हे ने कराई दुल्हन की विदाई। पूरे इलाके में शादी की चर्चा। देवघर में सुर्खियों में एक युवक संस्कृत में गाए बॉलीवुड के फिल्मी गाने। आगरा में सास के खिलाफ धरने पर बैठी विदेशी बहू को मिला इंसाफ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दखल से मिला न्याय। रूसी महिला ओल्गा ने सास पर दहेज मांगने का लगाया था आरोप। मदद के बाद सुषमा और यूपी के सीएम अखिलेश का किया धन्यवाद। हरियाणा के फतेहाबाद में कजाकिस्तान के रहने वाली बहू की सुषमा ने सुनी फरियाद। वीजा को लेकर मदद का दिलाया भरोसा। एक बार फिर देखेंगे दीपिका और रणबीर की जोड़ी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में दोनों आएंगे नजर। फिल्म खलनायक के रीमेक में भी संजय दत्त करेंगे अभिनय। मूवी का नाम होगा खलनायक रिटर्न्स। पुर्तगाल ने यूरो कप फुटबॉल पर किया कब्जा। रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को 1-0 से दी मात। 90 मिनट तक बराबरी पर रहा मुकाबला। एक्स्ट्रा टाइम में पुर्तगाल की तरफ से एडन निदागा गोल। मैच के दौरान जख्मी हुए पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो फ्रांस के मिडफील्डर दिमित्री पेट से टकराने से हुए चोट। पुर्तगाल की जीत के बाद लिस्बन में भी झूम उठे फुटबॉल के दीवाने। जमकर हुई आतिशबाजी। पेरिस में फाइनल मुकाबले से पहले पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। फैन जोन में भीड़ के घुसने के दौरान बवाल। ब्रिटेन के एंडी मरे दूसरी बार बने विंबलडन चैंपियन। कनाडा के रॉनिक को दी मात। दूसरी बार जीता विंबलडन खिताब। विंबलडन का बादशाह बनने के बाद एंडी मरे गदगद। तीसरी बार जीता ग्रैंड स्लैम खिताब। जिम में पसीना बहाते नजर आए वाराणसी पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। उनसे मुलाकात के लिए फैंस की उमड़ी भी। एक मौत के बाद भी स्पेन में बुल फाइटिंग जारी। सैम फॉर्मिंग फेस्टिवल के दौरान दो जख्मी। चीन के हुनान प्रांत में करीब 21,000 बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू। अभियान में जुटे 2,000 जवान। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। अभियान के दौरान एक कर्मचारी जख्मी। दुबा के सूडान में मिलिट्री और विद्रोहियों में जबरदस्त लड़ाई जारी। अब तक 270 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। फ्रैंकफर्ट में एक साथ 7,500 से ज्यादा म्यूजिशियंस ने किया परफॉर्म। दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का होने का रिकॉर्ड बनाया।